इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप भी पूरे इच्छुक हैं यह जानने के लिए कि लुईस ब्रेल कौन थे और इन्होंने ब्रेल लिपि को कैसे डेवलप किया। तो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या अग्रवाल, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी टाइम। और आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दृष्टि बाधितों को लिखने व पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है और आज हम इस पद्धति के निर्माता लुईस ब्रेल के बारे में बात करेंगे। फ्रांस में जन्मे लुईस ब्रेल दृष्टि बाधितों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए, क्योंकि आम तौर पर माना जाता है कि लिखने व पढ़ने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन लुईस ब्रेल ने इसको दृष्टि बाधितों के लिए भी संभव किया। और यह कैसे संभव हुआ, आइए आज हम जानते हैं। ये तो आइए लुईस ब्रेल की जीवनी के बारे में जानते हैं। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को पेरिस के फ्रांस से लगभग 35 किलोमीटर दूर कुपरे नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता साइमन रेने ब्रेल घोड़ों के लिए काठी व जीन बनाने का कार्य किया करते थे। परिवार में अन्य 3 बालक और थे। परिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त संसाधनों का ना होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। अपने स्वभाव के कारण अनुसार बालक लुई अपने आसपास की वस्तुओं से खेलने के में अपना समय व्यतीत किया करते थे, जैसे कि रस्सी, लोहे के टुकड़े, लकड़ी के प्रबल टुकड़े आदि। यह सभी सामान लुईस ब्रेल के पिता अपने कार्य में इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन काठी को काटने वाला चाकू उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा गिरा और इस बालक की आंख से खून की धारा बह उठी। यह बालक बड़ा परेशान हुआ और रोता रोता अपने घर गया। तो जैसा कि उस टाइम पे होता था, घर में जड़ी बूटी लगाकर इस बालक की आंख पर पट्टी कर दी गई और ये माना गया कि बालक की उम्र कम है, छोटा बालक है तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। परंतु कुछ दिन बाद इस बालक को दाईं आंख से भी कम दिखाई देना शुरू हो गया और 4 वर्ष की उम्र में यह बालक पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गया। रंग बिरंगा संसार उस बालक के लिए अब अंधकारमय हो चुका था, लेकिन ये बालक बहुत ही हिम्मत वाला बालक था और इस बालक ने फिर भी हार नहीं मानी और दृष्टि बाधित होने के बावजूद बालक को पास के विद्यालय में भेजा गया और इस बालक के मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। कहते हैं ना, जहां चाहा तो वहां रहा, ऐसा ही कुछ इस बालक के साथ हुआ। इसी के चलते यह बालक पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा और इन्हीं के अथक प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक का दाखिला रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड यूथ, जो कि विश्व का प्रथम दृष्टिबाधित विद्यालय था, उसमें करवाया गया। जब ये बालक 12 वर्ष का हो चुका था और वर्ष था 1821। इसी दौरान फ्रांस के शाही सेना से निवृत्त कैप्टन चार्लेस बाबर रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड यूथ में दौरा करने के लिए आए। उसी समय इस बालक को पता चला कि चार्लेस बाबर ने एक ऐसी कोट लिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से सैनिक अंधेरे में भी टटोल कर संदेशों को पढ़ सकते हैं। हालांकि चार्लेस बाबर का उद्देश्य सैनिकों को अंधेरे में पढ़ने में सक्षम बनाना था, लेकिन बालक लुई का मस्तिष्क अलग ही दिशा में काम करता था और इस बालक ने सोचा कि अगर सैनिक अंधेरे में इस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं संदेशों को, तो दृष्टिबाधित भी तो पढ़ सकते हैं। और यही सोचकर इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने चार्लेस बाबर से मुलाकात की
और इस कूटलिपि में संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे दृष्टिबाधित भी पढ़ सके। चार्लिस बाबर को बालक का प्रस्ताव देखकर दंग रह गए और उन्हें उसका प्रस्ताव बहुत पसंद आया और उन्होंने इस बालक का प्रस्ताव मंजूर किया। फिर क्या था? इसके बाद बालक लुईस ने इसमें 8 वर्षों तक कड़ी मेहनत के बाद अनेक संशोधन किए और अंत में 1819 में 6 बिंदु पर आधारित लिपि का निर्माण किया। यह लिपि दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही सक्षम साबित हुई। इस समय इस बालक की उम्र 15 वर्ष थी और इन्होंने एक नई प्रणाली का आविष्कार किया। जब लुईस 15 वर्ष के थे तो उन्होंने उठे हुए डॉट्स के माध्यम से पढ़ने व लिखने का एक सरल प्रणाली विकसित कर चुके थे। लुईस अपने सहपाठियों को अपना तरीका दिखाया जो कि उन्हें पसंद भी आया और उपयोग करना शुरू किया। 17 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संस्थान में एक पूर्णकालिक शिक्षण के की स्थिति को स्वीकार किया। जब वे 19 वर्ष के थे तो ब्रेल की पहली पुस्तक 1827 में उनकी प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक राइटिंग डॉट्स ऑफ द ब्लॉक्स द्वारा उपयोग के लिए शब्दों संगीत और शादी गीतों की विधि और उनके द्वारा व्यवस्थित की गई थी। कुछ मामूली संशोधन के बाद यह 1834 में अपने वर्तमान रूप में पहुंच गया तो तब से उनके नाम के साथ पैदा हुआ। लुईस ब्रेल हमेशा बीमार संकोच से ग्रस्त थे और 6 जनवरी 1852 को तपेदिक के पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके विद्यार्थियों द्वारा उनकी प्रशंसा और सम्मान किया गया था, उनकी ब्रेल प्रणाली को उनकी मृत्यु के 2 साल बाद तक संस्थान में स्वीकार नहीं किया गया था। 20 जून 1952 को यानी कि अपनी 100वीं पुण्यतिथि के साथ संयोग से लुईस ब्रेल के शरीर के पुनः प्राप्त किया गया और फ्रांस में अपने महान नायकों में से एक राष्ट्र के अमर राष्ट्रों को बीच में अपने अवशेषों से सम्मानित किया और उनकी ब्रेल लिपि को मंजूरी दी गई। लुईस ब्रेल का घर यानी कि 13 रुए लुईस ब्रेल कुप्रे फ्रांस तब से एक संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है और इसे विश्व ब्रेल संघ द्वारा आंशिक समर्थन के साथ नेत्रहीनों के फ्रांसीसी महासंघ द्वारा बनाए रखा गया है। फ्रेंड्स, आज आपने लुईस ब्रेल के बारे में सब कुछ पढ़ा और कैसे ब्रेल डॉट्स को विकसित किया गया, ब्रेल प्रणाली को मंजूरी दी गई, ये सब हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए।